हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर्किटेक्ट खनिता करकोदी और आज हम बात कर रहे हैं कि गर्मियों में अपने घर को ज़्यादा ठंडा कैसे रखें। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और अभी भी हम पार्शली लॉकडाउन में हैं, तो ऐसे में हमें घर पर काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में अपने घर को कूल कूल रखना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वैसे तो जब हम किसी भी मकान की या घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसी वक्त पर बेसिक फंडामेंटल्स को फॉलो करके कि घर में टेम्परेचर कम किस तरह से रखा जाए, इन सारी बातों को फॉलो कर लिया जाता है। लेकिन इंटीरियर करते वक्त किन बातों का हम ध्यान रखें जिनसे कि घर का टेम्परेचर हम थोड़ा डाउन कर सकते हैं, तो आज की वीडियो इसी पर बेस्ड है। इस मौसम में हमें आँखों को शांत रखने वाले, मन को शांति देने वाले हल्के रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन हल्के रंगों और पीसफुल कलर्स, फैब्रिक्स, सूदिंग फैब्रिक्स, इन सब के अलावा हम और ऐसा क्या कर सकते हैं इस मौसम में जो कि हमारे घर को ठंडा रखने में हमारी मदद करे, हेल्प करे। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इको फ्रेंडली टिप्स जो आपके बहुत काम आएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ध्यान रखें कि घर में कुछ ग्रीनरी को ऐड करें। प्लांट्स हमारे रूम के टेम्परेचर को कम करने में काफ़ी हेल्प करते हैं और ये एयर को मॉइस्चराइज भी करते हैं। लंबे टॉल प्लांट्स शेड क्रिएट करते हैं और इस तरह से टेम्परेचर डाउन होता है। इन प्लांट्स को आप इंडोर प्लांट्स को आप विंडोज़ के आसपास भी रख सकते हैं, तो विंडो के आसपास का एरिया फ्री रखें और यहाँ पर प्लांट्स को जगा दीजिए। ये आपके टेम्परेचर को कम रखने में बहुत मदद करेंगे और आपके रूम को ठंडक भी प्रोवाइड करेंगे। तो थोड़ा डिक्लटर कीजिए और किसी कॉर्नर में टेबल फैन को रखने की जगह बनाइए। वैसे तो एसी भी अपना काम करता रहेगा, लेकिन साथ में आप एक टेबल फैन रखें और इसके सामने आप कुछ फ्रोजन बॉटल्स को रख सकते हैं या फिर एक बॉल में आइस पीसेस को भी रख सकते हैं। तो जब फैन चलेगा तो ये आइस क्यूब्स और फ्रोजन बॉटल्स रूम टेम्परेचर को डाउन लाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। ये टिप काफ़ी पुराना है और लंबे टाइम से घरों में यूज़ करते आ रहे हैं, जबकि एसीज वगैरह नहीं भी होते थे। लेकिन अगर इसे आप आजकल के टाइम में भी यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। और एसी आप जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो आप करें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एसी के साथ में भी हम फैन चलाते हैं हल्का करके, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर टेबल फैन के सामने ये सब रखते हैं तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। आप ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के सेंटर टेबल पर भी एक सेंटर पीस के रूप में आइस बॉल रख सकते हैं। ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा टेम्परेचर को डाउन लाने में और आपका रूम काफ़ी ठंडा ठंडा बना रहेगा। और ये एक एसेसरी भी हो जाएगी जो कि अच्छी लगती है, टेबल के ऊपर एक एलिमेंट का काम करते हैं और साथ में टेम्परेचर को भी डाउन करने में मदद करेंगे। तो एक तरह से दो काम आपके एक साथ हो जाएंगे। गर्मी के टाइम में कोशिश करें कि फ्लोर से हैवी कारपेट्स आदि को हटा दें और फ्लोर को फ्री अगर छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठंडा ठंडा फर्श पैर को काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप हैवी कारपेट्स को तो बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। और अगर आप कारपेट रखना ही चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो कुछ नेचुरल फैब्रिक्स वाले हों, जैसे कॉटन हो सकता है, जूट हो सकता है, इस टाइप के नेचुरल मटेरियल्स कारपेट्स को प्रेफर करिए। गर्मी में कोशिश करें कि विंडोज़ के आसपास का एरिया फ्री रखें। अगर आपकी विंडोज़ शेडी एरिया में आती हैं तो बहुत अच्छा है। आप इन्हें कम धूप वाले मौसम में, कम धूप वाले टाइम में खुला रख सकते हैं, वरना इन्हें बंद करके ही रखें। और हैवी कर्टन्स को आप यूज़ कर सकते हैं तीखी धूप से बचने के लिए, अदरवाइज़ आप शेयर कर्टन्स भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन एयर सर्कुलेशन के लिए अच्छा रहेगा कि आप विंडोज़ को कभी कभी बीच बीच में खोलते रहें। इससे आपका रूम जो है वो सफोकेट नहीं होगा और इसको फ्रेश एयर मिलेगी। कोशिश करें कि रात के वक्त तो आप विंडो को ज़रूर खोलें। ये जो नाइट एयर है वो काफ़ी ठंडी होती है कंपेरेटिवली, और आपके रूम का टेम्परेचर डाउन करने में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप चाहें तो गर्मियों में कर्टेंस की जगह पर आप विंडो के लिए जूट स्क्रीन्स या बेम्बू स्क्रीन्स को भी चूज़ कर सकते हैं। ये विंडो के थ्रू एयर को सर्कुलेट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, और ध्यान रखें कि इन्हें आप गीला जरूर करके रखें। देखा गया है कि ये चिक्स आपके रूम टेम्परेचर को 15 से 20% तक डाउन करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल रहती हैं ये चिक्स गर्मी के टाइम में। लेकिन गीला रखना बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम में तो ये चिक्स काफ़ी यूज़ की जाती थी और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रही है। उस टाइम तो ACs वगैरह भी नहीं होते थे, तो इन्हें भी आप एक इको फ्रेंडली मटेरियल के रूप में, एक प्रोडक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके इंटीरियर के लिए। एयर सर्कुलेशन में आपकी बहुत मदद करेंगी। अगर आपका घर या फ्लैट टॉप फ्लोर पर है और टेरेस के थ्रू काफ़ी तेज़ धूप आती है, तो आप वहाँ पर स्ट्रॉ मैट भी भिजवा सकते हैं, और उसे गीला रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम कर पाते हैं तो आपके जो टेम्परेचर है, इंटीरियर टेम्परेचर, इंडोर टेम्परेचर, उसको आप डाउन करने में काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, करके देखिए, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, अप्लाइंसेस हैं, उनका जो लोड है वो थोड़ा कम करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हीट क्रिएट करते हैं। तो कोशिश करें कि आप कम से कम यूज़ करें, जब जरूरत हो तभी यूज़ करें। जैसे रेफ्रिजरेटर है, वो पूरा टाइम चलता है तो हीट तो क्रिएट करता ही है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप फ्रिक्वेंटली उसको ना खोलें, जब ज़रूरत है तभी खोलें। तो इक्विपमेंट्स का जो लोड है वो कम करके देखें, इससे भी टेम्परेचर को कट ऑफ करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। गर्मी में कोशिश करें कि लॉन्ड्री के लिए भी आप एक फिक्स्ड टाइम रख लीजिए, जैसे कि मॉर्निंग आवर्स या फिर इवनिंग आवर्स को आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आपका रूम का टेम्परेचर कम रहता है, सनसेट हो जाता है और मॉर्निंग का सन भी उतना तीखा नहीं होता। तो आप लॉन्ड्री के लिए मॉर्निंग या इवनिंग को चूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। और धूप के टाइम में, जो दिन का टाइम होता है, उस टाइम पर ये सब काम करने से आप बचें। आयरनिंग करना है या कपड़े धोने हैं वॉशिंग मशीन में, तो ये सुबह या शाम कर लीजिए, तो रूम टेम्परेचर को आप डाउन करने में काफ़ी हेल्प कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि किचन में भी हम यही ट्रिक काफ़ी यूज़ करते हैं कि मॉर्निंग या इवनिंग में हम अपना काम कर लेते हैं, तो गैस के थ्रू, स्टोव के थ्रू जो हीट फैलती है वो भी हमारे एरियाज़ को, बाकी एरियाज़ को उतना अफेक्ट नहीं कर पाती। तो अफेक्ट तो करेगी, लेकिन कितना हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप कुछ एक टाइम टेबल बना लेते हैं लॉन्ड्री का, किचन के काम का, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। मॉर्निंग या इवनिंग को प्रेफरेंस दीजिए। घर में नेचुरल फैब्रिक्स जैसे कॉटन, लिनन, इन फैब्रिक्स को प्रेफरेबली यूज़ कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ठंडे होते हैं और आपको कंफर्टेबल महसूस कराएंगे और अच्छा लगेगा आपको। तो हमारे जो भी बेड शीट्स हैं, सोफ़ा कवर्स हैं, कुशन कवर्स हैं, इन सब के लिए आप नेचुरल मटेरियल्स को प्रेफरेंस दीजिए। इन्हीं को आप ज़्यादा यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। कर्टेंस में भी आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही कलर्स पर आप ध्यान दीजिए कि सूदिंग कलर्स का आप यूज़ करें, पीसफुल कलर्स, लाइट कलर्स को आप यूज़ करें। गर्मियों में ब्लू कलर्स काफ़ी अच्छा लगता है, पीसफुल महसूस होता है, आंखों को भी शांति महसूस कराता है। जैसे लाइट ग्रीन्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं गर्मी के मौसम में, तो आप ऐसे ही कुछ सूदिंग और पीसफुल कलर्स को यूज़ कीजिए अपने इंटीरियर में गर्मी के दौरान, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा।
तो अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने रूम के टेम्परेचर को डाउन करने में काफ़ी हद तक सक्सीड कर सकते हैं। और देखिए धूप है बाहर तो गर्मी तो होगी ही, लेकिन इन छोटे छोटे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो रूम टेम्परेचर में काफ़ी आप कमी ला सकते हैं, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस आपका डाउन भी जा सकता है। तो अगर आप करके देखिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, तो ज़रूर आजमाइए इन टिप्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर लिखें। Thank you very much.